अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन की एक और मास्टरपीस पोयम द ब्लॉसम पढ़ेंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ इस पोयम के बारे में आपको बताना चलूंगा। दोस्तों द ब्लॉसम जो पोयम है ये जॉन डन ने लिखी थी। साथ ही साथ दोस्तों जनरिक की बात करें तो ये 5 स्टैंजा मेटाफिजिकल पोयम है। थीम की बात करें दोस्तों तो इसकी थीम जो बनती है वो अनरीचेबल लव एंड वुमेन लव के ऊपर इसकी थीम बनती है। दोस्तों ये भी पोयम इनकी पोस्टहमस कलेक्शन के अंदर, जो इनका एक कलेक्शन था पोयम्स का, 1633 के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी एज की बात करें तो ये भी जेकोबियन एज से बिलोंग करती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चलूंगा, दोस्तों ये 40 लाइन की पोयम है जो कि 5 स्टेंजा के ऊपर डिपेंड करती है और हर स्टेंजा के अंदर 8 लाइनें हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी वो पोयम है जिसको इन्होंने अपने वाइफ के लिए, मिस एन मोरे के लिए लिखा था। तो दोस्तों साथ ही साथ इस पोयम के ट्रांसलेशन से पहले आपको इस पोयम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि दोस्तों जॉन डन ने इस पोयम का मौजू जो रखा था, जो सेंट्रल आइडिया रखा था, वो था बेसिला मोहब्बत, मतलब एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई सिला नहीं मिला था। साथ ही साथ दोस्तों इसका ताल्लुक एक शादीशुदा खूबसूरत औरत मिसेस हर्बर्ट से है जिसने मुश्किल वक्त में जॉन डन का बहुत साथ दिया था, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में वो काफी बेहिस वाकिया हुई थी। इस पोयम के शुरू में जॉन डन एक फूल को मुस्कुराता हुआ देखकर इसे एहसास दिलाता है कि खूबसूरती और खुशी की उम्र महज चंद रोज की होती है। इसके बाद वो अपने दिल को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि इसकी महबूबा बेहिस और बेदिल है, इस पर मोहब्बत का कोई असर नहीं होता, ख्वा इससे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना की जाए। शायर साथ ही साथ दोस्तों जॉन डन जो है अपनी महबूबा को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता है, लेकिन इसका दिल मजबूर है कि पास रहा जाए अपनी महबूबा के। इस पर अपने दिल से कहता है कि वो 20 दिन के बाद इसके पास से लंदन चला जाएगा और देखते हैं कि वहां वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश होता है। और साथ ही वो अपने दिल को ये भी पेशकश करता है कि लंदन आने पर वो इसे अपनी एक नई दोस्त के पास भेज देगा जो कि पहली महबूबा की तरह बेहिस का मुजाहरा नहीं करेगी बल्कि इसे पाकर बहुत खुश होगी। तो दोस्तों ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, ये इस पोएम का इंट्रोडक्शन है। आइए चलते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ। Stanza number 1, little thinkst thou, poor flower, whom I have watched 6 or 7 days, and seen thy birth, and seen what every hour, gave to thy gouth, thee to this height to raise, and now dost laugh and triumph on this bough, little thinkst thou, that it will freeze anon, and that I shall, tomorrow find thee fallen, or not at all. So, dosto. ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन के अंदर जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है, सर जॉन डन जो है वो स्टैंजा नंबर 1 के अंदर कहते हैं कि ए मेरे दिल, मतलब वो अपने दिल से कह रहे हैं, ए मेरे अपने दिल को एक फूल बनाकर पेश कर रहे हैं वो इस स्टैंजा के अंदर। ए बेचारे फूल, तुम्हें अपनी पैदाइश, तेजी से होने वाली फजाइश और सर पर मंडलाती हुई मौत के बारे में हकाइक का एहसास कम ही होगा। मैं पिछले 6-7 दिन से तुम पर मुशाहिदा कर रहा हूँ, मतलब तुम पर स्टडी कर रहा हूँ, और इसके बाद मैंने तुम्हारी पैदाइश होते हुए भी देखी है और ये भी देखा है कि हर घंटे बाद तुम्हारी कितनी अफजाइश, मतलब ग्रोथ होती है, और तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हो, और अब तुम इस डाली पर फातहाना अंदाज में मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें इस चीज का एहसास भी कम ही है कि शदीद सर्दी से जम जाने पर तुम्हारे ये कहके और खुशियां जल्दी खत्म हो जाएंगी और कल मैं तुम्हें जमीन पर गिरा हुआ पाऊंगा, या शायद तुम्हारी पत्तियां सिवाय हवा से इधर उधर बिखर जाने की वजह से तुम कल मुझे बिल्कुल नजर नहीं आओगे। Stanza number 2, little thinkst thou, poor heart, that laborest yet to nestle thee, and thinkst by hovering here to get a part in a forbidden or forbidding tree, and hopst her stiffness by long siege to bow, little thinkst thou, that thou tomorrow, ere that sun doth wake, must with this sun and me a journey take. साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 की बात करो तो स्टैंजा नंबर 2 के अंदर द ब्लॉसम में जॉन डन कहते हैं कि ये अब अपने दिल से एक फरियाद कर रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं कि ए मेरे बेचारे दिल, तुम्हारी महबूबा एक संगदिल होने की हकीकत का एहसास तुम्हें भी कम है।
जिस तरह वो फूल को बता रहे थे, इसी तरह वो अपने दिल को बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी महबूबा के संग दिल होने का एहसास भी कम है। तू अभी तक मेरी महबूबा के सीने में अपने लिए जगह बनाने की कोशिशें कर रहा है और दूसरों को मेरे करीब नहीं आने दे रहा, जिस तरह से एक दरख्त पर मंडला रहा है और यहां पर उतरने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहा है। मेरा दिल इस तरह से कर रहा है कि मैं जिस तरह दुश्मन के किले पर अक्सर देखा होगा कि फौजी जो है वो मुहासरा कर लेते हैं उसका, यानी कि उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है ताकि हम उसको कब्जे में ले सके, तो इसका मुहासरा करते हैं एक लंबे अरसे तक। तो ये अपने दिल से ये बोल रहे हैं कि तू भी इस तरह से उसको चारों तरफ से घेर के अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, एक इस तरह की हिकमत अमली मतलब प्लानिंग तैयार कर रहा है। तो साथ ही साथ दोस्तों ये अपने दिल से कहते हैं कि फौजियों वाली हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि तू भी लंबे अरसे तक मेरी महबूबा के पीछे पड़ेगा, इसकी सख्त ताकि इसकी सख्त मिजाजी खत्म हो जाए, ताकि वो नरम पड़ जाए, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास कम है कि तुम्हें जल्दी अपनी कोशिशें जो है वो रोक देना पड़ेंगी और कल सूरज निकलने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक सफर पर चलना पड़ेगा। ये बातें सर जॉन डन जो है अपने दिल से कर रहे हैं स्टैंजा नंबर 2 के अंदर। स्टैंजा नंबर 3, बट थाउ व्हिच लव्स टू बी सटल टू प्लेग थाइसेल्फ विल्ट से अलास इफ यू मस्ट गो व्हाट्स दैट टू मी, हियर लाइज माय बिजनेस and here I will stay, you go to friends, whose love and means present, various content, to your eyes, ears, and tongue, and every part, if then your body go, what need you a heart? Then, दोस्तों साथ ही साथ स्टैंजा नंबर 3 के अंदर सर जॉन डन जो है वो इसके ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ए मेरे दिल, लेकिन ए मेरे दिल, तो दोस्तों ये अगेन अपने दिल से बात कर रहे हैं कि लेकिन ए मेरे दिल, तुझे यहां रहकर चुपके चुपके खुद पर सितम ढाने का बड़ा शौक है, लेकिन जल्द ही मुझे कहोगे कि अफसोस अगर मैं तुम्हें लाजमन जाना है तो जाओ, मुझे इससे क्या, मेरा तो काम तो बस यही यहीं पर है और मुझे यहीं पर ठहरना है। तुम अपने दोस्तों के पास जा रहे हो जिनकी मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार करने वाले जराए तुम्हारी आंखों कानों जबान और जिस्म के हर हिस्से को बहुत जिस्मानी तस्कीन देंगे और ये कि तुम्हारा जिस्म दिल के बगैर भी इतनी तस्कीन हासिल कर सकता है तो तुम्हें दिल की ही क्या जरूरत है। तो दोस्तों साथ ही साथ ये यहाँ पे अपने दिल की भी बात कर रहे हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मेरा दिल कहता है कि मुझे यहाँ रह के चुपके चुपके सितम ढाने का बड़ा शौक है और जल्दी तुम मुझसे ये बात भी करोगे कि काश मैं थोड़ी देर और ठहरता, मैं अपने दोस्तों के पास नहीं जाता। और साथ ही साथ दिल इनसे कह रहा है सर जॉर्डन से कि तुम्हारा दिल आंखों कानों जबान और जिस्म के हर हिस्से को बहुत तुम्हें आसानी होगी अपने दोस्तों के पास जाके, लेकिन क्या तुम्हें दिल की जरूरत नहीं होगी। Stanza number 4, well then, stay here, but no, when thou hast stayed and done thy most, a naked thinking heart, that makes no show, is to a woman, but a kind of ghost, how shall she know my heart, or having none, know thee for one, practice may make her know some other part, but take my word, she doth not know a heart. देन दोस्तों साथ ही साथ स्टैंजा नंबर 4 की और ट्रांसलेशन बनती है जॉन डन की द ब्लॉसम पोएम की, वो इस तरह से बनती है। ये अब अपने दिल से कहते हैं कि नहीं, मैं अपने दिल से कहता हूं अच्छा ये बात है तो तुम यहीं रुको, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब तुम काफी अरसे तक यहाँ ठहरे रहोगे और मेरी महबूबा का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर लोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जिस्म के बगैर सोचते हुए दिल की हैसियत एक औरत के लिए भी भूत से कम नहीं होती। इसके अलावा चूंकि मेरी महबूबा का दिल तो है ही नहीं तो इसे कैसे पता चलेगा कि मेरा दिल है और वो कैसे पहचानेगी कि वाकई ये एक दिल है। बेशक मामूल के मुशाहदे से तो इंसान के दूसरे जिस्मानी अज़ा के बारे में जान डालेगी, लेकिन यकीन करो वो ये नहीं जानती कि दिल कैसा होता है, क्योंकि मेरी महबूबा जो है वो बड़ी संग दिल किस्म की है और उसको दिल के बारे में नहीं पता। अगर उसको दिल के बारे में पता होता तो वो तुम्हें भी पहचान लेती कि मेरा दिल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। तो दोस्तों ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है। स्टैंजा नंबर 5 पे चलते हैं। स्टैंजा नंबर 5, मीट मी एट लंदन देन 20 डेज हेंस एंड थाउ शाल्ट सी मी फ्रेशर एंड मोर फैट बाय बीइंग विद मेन देन इफ आई हैड स्टेड स्टिल विद हियर इन दी, फॉर गॉड्स सेक इफ यू कैन बी यू सो टू आई वुड गिव यू देयर टू अनदर फ्रेंड हुम वी शैल फाइंड एज ग्लैड टू हैव माय बॉडी एज माय माइंड।
देन दोस्तों साथ ही साथ लास्ट स्टैंजा की बात करें, लास्ट स्टैंजा मतलब स्टैंजा नंबर 5 के अंदर जॉन डन कहते हैं अपने दिल से ही ये बातें कर रहे हैं इस पोयम के अंदर, और ये यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम ऐसा करो कि मेरे जाने के 20 दिन बाद लंदन आ जाना, और वहां मुझे लोगों की मोहब्बत में इससे ज्यादा शगुफ्ता और ज्यादा सेहतमंद पाओगे जितना के मैं यहाँ पर बेहिस महबूबा के चक्कर में और अपने बेहिस महबूबा के चक्कर में हूँ, और मेरे बेपर्दा दिल तुम्हारे पास ठहरे हुए होता। इसलिए खुदा के लिए अगर तुम कर सकते हो तो वही करो जो मैंने किया, यानी संगदिल औरत को छोड़ दो, तुम यहां से लंदन आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त महबूबा को सौंप दूंगा जो जिस्म का एक हिस्सा यानी दिल पाकर इतनी खुश होगी जितनी के मेरे ख्यालात से शायराना फहम और फराज से खुश होती है। तो दोस्तों ये लास्ट सेशन में अपने दिल से ये बात कर रहे हैं कि मेरे दिल तुम ऐसा करो 20 दिन यहीं पर रुक जाओ, 20 दिन तक और देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि वो यहाँ रहेगा तुम्हें सुकून मिलता है और वो संग दिल महबूबा जो है वो तुम्हारे का तुम्हें मोहब्बत दे सकती है तो ठीक है तुम यहीं रुक जाओ, वरना 20 दिन के बाद मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें वहां पे अपनी एक नई दोस्त अपनी एक नई महबूबा से मिलवा दूंगा और मैं उसको दे दूंगा, और वो तुम्हारी बड़ी कदरों कीमत करेगी, बड़ी तुम्हारी मतलब बड़े तुम्हारा एहसास करेगी, सब चीजें करेगी, और वो भी तुमसे बेहद मोहब्बत करेगी। तो बेहतर ये कि इस जो अभी जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो अपने दिल से कह रहे हैं तुम उसको छोड़ दो। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम समझ भी आई होगी, ट्रांसलेशन भी इसकी पसंद आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।